नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं प्रिंस चौधरी और आप अन अकेडमी के यूपी ट्रिपल एस सी यूट्यूब चैनल पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी हुई हैं पहले भी, आज भी इसी संदर्भ में बातों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज अपने पिछले एक साल के जो 1000 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि मैंने आपसे कहा था ये 1000 तो ये मिनिमम होंगे, लेकिन मैक्सिमम मैं 1200 से अधिक जाने की कोशिश करूंगा, वो सारे के सारे क्वेश्चन का पार्ट टू में लेकर के आ गया हूँ। 350 के प्रश्न आसपास मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही तरीके से सुनाई दे रही होगी, मैं आपको सही तरीके से दिखाई दे रहा हूँ। इस चीज को फिर आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं, अगर तो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं करा है तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। आप लोगों को यहाँ पर फ्री लाइव क्लासेज मिलती रहती हैं ऑलरेडी। बाकी अनअकैडमी प्लस का जो फीचर है इस पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस को जो बच्चे अभी एक साल के लिए ज्वाइन करते हैं उन्हें 2 महीने का फ्री में सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। साथ ही अगर जो बच्चे दो साल के लिए ज्वाइन करते हैं उन्हें 1 साल का UPSC ऑप्शनल का फ्री में सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अनअकैडमी की तरफ से बच्चों के लिए प्रोवाइड करी जा रही हैं। और जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को। अगर सेशन अच्छा लगे तो पहले से जुड़ रहे हैं तो आपको अच्छा लगता होगा, तभी आप दोबारा जुड़ने आए हैं, तो लाइक सेशन को कर दीजिएगा। बाकी संडे को 11 बजे आपका एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, इसे भी जरूर ज्वाइन किया करिए। अगर आप फर्स्ट रैंक पे आते हैं आपको 100% की स्कॉलरशिप 6 महीने के लिए दी जाती है। शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद इनमें से किसे महाराष्ट्र का गृह मंत्री बनाया गया? अजीत पवार साहब को, अशोक चौहान साहब को, दिलीप वलसे पाटिल साहब को, या फिर आदित्य ठाकरे को? तो ये बनाया गया है दिलीप वलसे पाटिल को। महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे अनिल देशमुख साहब, इन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया, रिजाइन कर दिया, इसके बाद दिलीप वलसे पाटिल को महाराष्ट्र का गृह मंत्री बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कौन सी कंपनी ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? डिजिट इंश्योरेंस, इंडिया गो, इंडिगो पेंट, नोकिया, या फिर ड्रीम इलेवन? इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिजिट इंश्योरेंस। डिजिट इंश्योरेंस इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? भारत सरकार ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश के संविधान के निर्माताओं में से एक रहे हैं और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। 27वें स्क्रीन गिल्ड अवार्ड में किस महिला अभिनेत्री ने प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए SAG पुरस्कार जीता हुआ है? 17वें स्क्रीन गिल्ड अवार्ड में किस महिला अभिनेत्री ने प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए SAG अवार्ड जीता हुआ है? तो ये अवार्ड जीता हुआ है वियोला डेविस ने, वियोला डेविस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर तो किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? कौन से देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है? न्यूजीलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, या फिर इंग्लैंड? तो ये बनाया है ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने। मुंबई के किस पूर्व क्रिकेटर एवं कांगा क्रिकेट लीग के प्रसिद्ध खिलाड़ी का निधन हो गया है? मुंबई के किस पूर्व क्रिकेटर एवं कांगा क्रिकेट लीग के प्रसिद्ध खिलाड़ी का निधन हो गया है? मेहली ईरानी थे, मुंबई क्रिकेट लीग के क्रिकेटर थे और कांगा लीग के प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए। डोंगरिया कोंध जनजाति कहां पर पाई जाती है? और COVID-19 काफी ज्यादा डोंगरिया कोंध जनजाति में फैला, इसकी वजह से एक तरीके से इनकी पूरी जनजाति पर ही खतरा आ गया।
कि एक जनजाति ही पूरी ना खत्म हो जाए। ये जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये जनजाति डोंगरिया कोंद जनजाति पाई जाती है उड़ीसा में। उड़ीसा में डोंगरिया कोंद जनजाति पाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस तारीख को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है? विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय माफ करिएगा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस संयुक्त राष्ट्र किस दिन मनाता है? आकाश, जय हिंद आकाश। तो 6 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र हर साल मनाता है विकास और शांति के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस। किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड अम्बोली रीजन एज ए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन वेस्टर्न घाट्स इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट? इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में अंबोली क्षेत्र में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किया गया है? जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किया गया है? तवी नदी, किशन गंगा नदी, चिनाब नदी या फिर डोडा नदी? तवी नदी, किशन गंगा नदी, चिनाब नदी या फिर डोडा नदी? सही आंसर है सी ऑप्शन, चिनाब नदी। बहुत बढ़िया, चिनाब नदी। विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है? विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य परियोजनाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये है मिजोरम राज्य, ए ऑप्शन में मिजोरम राज्य। हाँ, डोडा नदी, बिल्कुल सही बात है। फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? फीफा हैज सस्पेंडेड द फुटबॉल फेडरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? चाइना, रसिया, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश? तो राइट आंसर इज पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवार को 5 वर्ष एवं महिला उम्मीदवार को 10 वर्ष छूट देने की बात की है? पंजाब, बिहार, दिल्ली या फिर राजस्थान? तो इसका सही आंसर है राजस्थान, राजस्थान बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। एक मिनट जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टोक्यो ओलंपिक, एक्चुअली मुझे लिंक शेयर करना था, थोड़ा लिंक शेयर करना मैं भूल गया था, तो मुझे लिंक शेयर करना था इस वजह से मैं गया था। टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश कौन बन गया है? टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? अब इनफैक्ट जापान में इमरजेंसी भी लगी हुई है, तो अभी तो टोक्यो ओलंपिक पे और भी ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल इसका सही आंसर है उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया, नेपाल नहीं, उत्तर कोरिया इसका सही आंसर है। नेपाल नहीं है बच्चा, उत्तर कोरिया है। वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए कौन से जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है? वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए कौन से जंतु की स्टेम कोशिकाओं का यूज किया है? तो यूज किया गया है मेंढक, मेंढक की। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेंढक की स्टेम सेल्स को यूज किया गया है कि एक जीवित रोबोट बनाया जाए, एक लिविंग रोबोट बनाए जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है?
Which organization has allowed private sector companies to partner in the production of missile system? हाँ, फ्रॉग बिल्कुल सही है। तो डीआरडीओ ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदारी मतलब पार्टनरशिप करने की अनुमति दी है मिसाइल सिस्टम के प्रोडक्शन के लिए। उत्तर प्रदेश में स्थित किस कवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर से बदल करके परासौली करने की मंजूरी सरकार ने दी? उत्तर प्रदेश में किस में स्थित किस महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर से बदलकर परासौली करने की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है सूरदास की तपस्थली महमूदपुर पहले थी, उसका नाम बदल करके परासौली कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल सही बात है, सूरदास। किस टीम ने भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है? पाकिस्तानी पुरुष हॉकी टीम, ऑस्ट्रेलियाई पुरुष हॉकी टीम, अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम या फिर हंगेरियन महिला हॉकी टीम? किस भारतीय टीम के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को अपना कोच अपॉइंट किया है? तो इसका सही आंसर है अमेरिकन मेंस हॉकी टीम ने भारत के कोच जो थे हरेंद्र सिंह उन्हें अपना चीफ कोच अपॉइंट किया है, हेड कोच अपॉइंट किया है। आरबीआई ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1,00,000 रुपए से बढ़ा करके कितना कर दिया है? पहले जो भी पेमेंट बैंक जैसे फोन पे पेमेंट, गूगल आपका पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक ये सब थे, उनमें आप डिपॉजिट लिमिट 1,00,000 रुपए होती थी, आरबीआई ने उसे बढ़ा करके कितना कर दिया है? इसे बढ़ा करके 1,00,000 रुपए से 2,00,000 रुपए कर दिया गया है आरबीआई की तरफ से, 1,00,000 से बढ़ा करके 2,00,000 रुपए कर दिया गया है। भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण के रूप के हेड के रूप में अपॉइंट किसे किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है संजीव कुमार साहब। हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 31 मार्च को, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया रजनीकांत साहब को। हाँ बिल्कुल सही बात है, डिफेंस रजनीकांत साहब को दिया गया। अभी हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शूटिंग विश्व कप 2021 में टॉप पर कौन सा देश रहा? जापान, अमेरिका, इंडिया या फिर नन ऑफ दीज? तो इसमें टॉप पे रहा इंडिया, इंडिया ने सबसे अधिक यहां पर जीते। कोई दिक्कत नहीं, कुछ चीजें नहीं आती हैं तो सीख लीजिए आप लोग, ठीक है। और पिछले एक साल के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको मैं स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा और मोस्ट प्रॉबली आपका जुलाई में ही 1,000 से 1,200 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली प्रोवाइडेड ग्रांट इन एड ऑफ 800 करोड़ ऑफ नेपाल अंडर ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU के तहत दी गई है? तो ये प्रदान किया गया है भारत की तरफ से नेपाल को, भारत ने एक एड दिया है नेपाल को 800 करोड़ नेपाली रुपए का एक MOU के तहत। है ना, शुभी रिप्लाई लेट कर रही हो आप, अच्छा डिफेंस कर रहे हैं, चलो कोई ना। हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला? कौन से मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? शरण कुमार लिंबावे, श्रीकांत मोघे, आनंद यादव, रंगनाथ पठारे? तो ये दिया गया शरण कुमार लिंबावे साहब को।
मराठी लेखक है, सरस्वती सम्मान 2020 इनको दिया गया, सरस्वती सम्मान 2020 का अवार्ड इनको मिला, शरण कुमार लिम्बावित। हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? लता मंगेशकर, उत्ता मंगेशकर, आशा भोसले या फिर रानू मंडल? तो ये दिया गया आशा भोसले को, आशा भोसले जी को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया है? हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, ननौतीज। रानू मंडल का नाम, हाँ रानू मंडल का नाम लगा दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन में लगा दिया है ताकि आप लोग थोड़ा सा हंस भी लो, मुस्कुरा भी लो, है ना। किरण रिजिजू, अभी तो किरण रिजिजू का मंत्रालय भी बदल दिया गया है, उनकी मिनिस्ट्री भी चेंज कर दी गई है किरण रिजिजू साहब की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत में निम्न में से कौन से स्थान पर है? अच्छा, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया कौन से पोजीशन पर है? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आईपी इंडेक्स में इंडिया कौन से पोजीशन पे है? 14th। चालीसवें स्थान पर। मोदी, कौन से ऑप्शन में मोदी भाई? अरे कोई ना, हद है नहीं, हद है नहीं, कुछ नहीं हद है ना, नहीं ऐसे नहीं बोलते। चलिए, हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? शरद पगारे, विष्णु प्रभाकर, अजय अग्रवाल या मोहन त्रिपाठी? तो शरद पगारे साहब को एक वरिष्ठ साहित्यकार है, के बिरला फाउंडेशन की तरफ से व्यास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है, इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग आते हैं, कहते हैं किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादित संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है? इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति का 2021 का शुभारंभ कौन से राज्य ने किया है? तो बिहार राज्य ने किया है इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ। वर्ल्ड थिएटर डे कौन से दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड थिएटर डे किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 मार्च, 20 अप्रैल या फिर 27 मार्च? तो 27 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड थिएटर डे। वर्ल्ड थिएटर डे विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। हाल ही में एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश या फिर नन ऑफ दीज? तो एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी भारत करेगा। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू किया है? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की है? भोपाल, वाराणसी, गोरखपुर या इनमें से कई सिंह ने? तो वाराणसी इसका सही आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। भारतीय तट रक्षक जहाज वज्र को कहां कमीशन किया गया है? वेयर वाज द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वज्र बींग कमीशन्ड रिसेंटली? तो ये कमीशन किया गया है चेन्नई में, बी ऑप्शन चेन्नई बिल्कुल सही आंसर है। और लगातार लाइक कर दीजिए सेशन को, जितने भी बच्चे हैं सारे लोग सेशन को लाइक जरूर कर दें। इतने सारे बच्चे हैं भाई, लाइक कितने हैं? 10 लाइक हैं सिर्फ, और 10 लाइक से तो दिल दुख जाएगा मेरा, है ना। तो इतने मतलब 200-300 लोग हो तो कम से कम भाई 100-150 तो लाइक तो होना ही चाहिए, क्यों, क्या कहती है जनता, 150 लाइक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कम से कम 200-300 लोग हो अगर तो 150 लाइक बनना चाहिए ना भाई। तो हाल ही में दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है? हाल ही में दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना बन रही है नॉर्वे में,
दुनिया की पहली, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है दुनिया की पहली नॉर्वे में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा इनिशिएटिव की शुरुआत की? मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? तो ये शुरुआत की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, ताकि हर लोग मास्क लगा करके चले और इसी संदर्भ में जागरूकता फैलाने के लिए मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब हैं। रूस के ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? कितने देशों के लिए रूस ने स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो 18 देशों के लिए 38 सैटेलाइट रूस ने लॉन्च किए हैं। हाल ही में ICC T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही? हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, सैफाली वर्मा, ननौती। तो इसका सही आंसर है सैफाली वर्मा। सैफाली वर्मा अभी हाल ही में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी अपना पदार्पण किया है, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट भी खेलने की शुरुआत अभी हाल ही में इन्होंने की है। वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? नरेंद्र मोदी, सुल्तान कबूस बिन सईद, शेख मुजीबुर रहमान, नन ऑफ दीज। तो अभी मोदी जी गए थे बांग्लादेश के विजिट पे, तो अब आप इससे लगा सकते हैं अंदाजा कि ये अवार्ड गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान को दिया जाएगा, जो कि बांग्लादेश के पिता कहे जाते हैं। हाल ही में किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी फटा है? संगे वोल्केनो कौन से देश में फटा है? जापान, इक्वाडोर, इंडोनेशिया या फिर नन ऑफ दीज। तो इक्वाडोर, इक्वाडोर में संगे ज्वालामुखी फटा है। कौन से देश में संगे ज्वालामुखी फटा है भाई? इक्वाडोर में। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 10 लाख, 7 लाख, 5 लाख या फिर 3 लाख। तो ये बढ़ा करके 5 लाख, 2.5 लाख से बढ़ा करके PF को 5 लाख कर दिया गया है। मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए एक MOU पे साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया गया है? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। विश्व जल दिवस 2021 का थीम क्या था? विश्व जल दिवस 2021 के थीम की बात कर रहा है, क्या होगा थीम? तो वैल्यूइंग वाटर, मतलब आप जल की कद्र करो, पानी की कद्र करो, वाटर की वैल्यू करो। बिल्कुल सही बात है विवेक, रवि सिंह बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। सारे लोग कमेंट करते रहिए, पोल करते, पोल तो यहाँ पे है नहीं, वो तो स्पेशल क्लास में होता है पोल। हाल ही में 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ पर हुआ? नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ पर हुआ? नासिक, चेन्नई, मैंगलोर या फिर नॉर्थ। इसका सही आंसर है मैंगलोर में। नंदिनी नदी महोत्सव का समापन हुआ मैंगलोर में। भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया है? दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, चंडी प्रसाद भट्ट, सर डेविड एडनबरो। इसका सही आंसर है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। हाल ही में किसने सही दिशा सम्मान अभियान की शुरुआत की है? सही दिशा सम्मान अभियान की शुरुआत UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने की है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने ये शुरुआत की है। हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है? किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है? बांग्लादेश, स्पेन, सिंगापुर या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्पेन। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून स्पेन ने पारित किया है। हाल ही में कौन वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है? Who has recently emerged as the model state for the forest money development scheme? तो ये बनकर के उभरा है मणिपुर। मणिपुर वन धन विकास योजना के लिए एक मॉडल राज्य बनकर के सामने आया है, एक मॉडल राज्य बनकर के उभरा है। केरल नहीं बच्चा, केरल नहीं।
67th नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौन सी अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड मिला 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में? तो ये मिला कंगना रनौत को, कंगना रनौत को। शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को, जिस दिन भगत फासुल्लाह खां को फांसी हुई थी उसी दिन मनाया जाता है शहीद दिवस। तो अभी 50 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट किए, और भी आगे बढ़ेंगे, और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर रुक रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन और भी करने हैं बाकी। अब मैं आपको बताऊँ, हाँ 23 मार्च बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। अभी मैं आपको बताऊं कि अनअकैडमी प्लस पे मैं आपको पढ़ाता हूं, अनअकैडमी प्लस के कुछ फीचर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा, एक मिनट का टाइम लेकर के आपका। हेलो विवेक, देन मैं आपको सबसे पहले ये इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि लाइक आप देखो अनअकैडमी प्लस पे जब भी आप कोई भी कोर्स परचेज करते हो तो उसके लिए आपको जिस भी कैटेगरी में जाते हो सारे एग्जाम के लिए उस कैटेगरी में, जिस उस कैटेगरी के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आपको कराई जाती है, और आंसर राइटिंग सेशन वगैरह भी कराया जाता है, ठीक है, और पीडीएफ मटेरियल भी आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया जाता है, डाउट क्लियरिंग सेशन आपके रेगुलर होते रहते हैं, मेंटरशिप गाइडेंस, ये सारी चीज़ें आपको लगातार मिलती रहती हैं, आप चाहे तो इसको यूज करेंगे। बाकी जब आप प्लस पे होते हो तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती है, लाइक आपका आर ओ प्रिलिम्स का टेस्ट सीरीज चल रहा है, वो भी जो प्लस के बच्चे हैं, प्लस के यूजर्स हैं, एकदम फ्री में अवेल कर सकते हैं। एंड लक्ष्य के नाम से आपका पीसीएस मेंस का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, उसे भी आप अवेल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, जो भी प्लस के बच्चे हैं, तो प्लस इसलिए भी आपके लिए ज़रूरी है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, थोड़े से और कुछ क्वेश्चन करने हैं अपने लोगों को, 150 क्वेश्चन तो कम से कम और कर ही लेते हैं, कम से कम 100-150 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, 150 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, 500 अपने कम्प्लीट हो जाएँ, देन हम लोग 500 के बाद फिर किसी दिन 200-300, 200-250 क्वेश्चन फिर एक दिन मैराथन सेशन लगा करके कर लेंगे अपन लोग, ठीक है। तो सीआरपीएफ शौर्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 9 अप्रैल या फिर 3 जुलाई को सीआरपीएफ शौर्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए 670 करोड़ रुपए की 14 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी हुई है? केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए 670 करोड़ रुपए की 14 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी हुई है, अप्रूवल दिया है? तो ये झारखंड के लिए केंद्र सरकार ने 670 करोड़ रुपए के 14 प्रोजेक्ट हैं जो कि 670 करोड़ के हैं झारखंड के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर के कर दिया है कुल मिलाकर के 12.5%, 12.5%। मूव करते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम सारे के सारे लोग 12.5% कर दिया था। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के बाद कौन सी टीम 100वीं जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम बन गई है? मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बाद 100 आईपीएल विंस किस टीम के पास है, किस टीम ने 100 आईपीएल मैच जीते हुए हैं? तो ये है कोलकाता नाइट राइडर्स, कोलकाता नाइट राइडर्स सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अप्रैल 2021 में केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाले कौन सी दवा के निर्यात पर रोक लगा दी? आयात नहीं, निर्यात, हमारे देश से बाहर नहीं जाएगा। तो ये है रेमडेसिविर, इसलिए क्योंकि इंडिया में केस उस टाइम बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, केस एकदम रैपिड फायर पेस पे बढ़ रहे थे, रैपिड पेस पे बढ़ रहे थे, तो जरूरी था कि रोक लगा दिया जाए ताकि हमारे देश में जो कमी है वो कमी पूरी हो जाए, ठीक है, हमारे देश के लोगों को पहले मिल पाए। किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित किए जाने की बात की गई है? तो ये बात की गई है अक्षय कुमार को।
कौन से राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान चलाया? तो ये मास्क अभियान चलाया गया ओडिशा की तरफ से, ओडिशा की तरफ से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 18वें एशियाई खेलों में 100 और 200 मीटर में रजत पदक जीतने भारत की महिला धावक दुती चंद को किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा सम्मानित किया गया है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल को मनाया जाता है। किस भारतीय को वर्ष 2021 का विटली अवार्ड यानी ग्रीन ऑस्कर भी जिसको कहा जाता है विटली अवार्ड को दिया गया है? विटली अवार्ड 2021 का किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है वाई नुकलू फोम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस रिटायर्ड जस्टिस को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है? तो ये अपॉइंट किया गया है सुरेंद्र कुमार यादव जी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। आईपीएल इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिस गेल, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, अलग अलग टीमों के लिए आईपीएल में खेल चुके हैं, फिलहाल पंजाब के लिए खेलते हैं। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी या स्पुतनिक 5 को मंजूरी देने वाला 60वां देश कौन सा बन गया है? तो बहुत सारे देशों ने मंजूरी दी हुई है, लेकिन भारत का इम्पोर्टेंट है इसलिए 60वां देश याद रखेंगे। देश के अगले चुनाव आयुक्त कौन होंगे? सुशील चंद्रा, राहुल सचदेवा, अनिल कुमार या अजय त्रिपाठी? बिल्कुल सुबह, तो सुशील चंद्रा देश के अगले चुनाव आयुक्त के रूप में आ गए हैं। केंद्र सरकार ने नागालैंड में नागा समूहों के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो नागा समूह से जो लड़ाई चल रही है, केंद्र सरकार ने उस समझौते को 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया है, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने अपनी पूर्ववर्ती नीति के में बदलाव करते हुए फिलिस्तीन के लिए कितने मिलियन डॉलर से संबंधित योजना की बहाली की घोषणा करी हुई है? 200 मिलियन डॉलर, 235 मिलियन डॉलर, 535 मिलियन डॉलर या फिर 435 मिलियन डॉलर? इसका सही आंसर है 235 मिलियन डॉलर। किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग से मुक्त घोषित किया गया है? तो क्षय रोग से मुक्त घोषित किया गया है लक्षद्वीप को, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी से मुक्त घोषित किया गया है लक्षद्वीप को। भारतीय हॉकी और देश की सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कौन से खिलाड़ी का निधन हो गया? तो बहुत बार मैंने बताया, मोहाली स्टेडियम का नाम भी बलवीर सिंह जूनियर के नाम पे रख दिया गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला डायरेक्टर बनी है पूनम गुप्ता जी बनी है। भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गस्ती पोत पीएम जोरोस्टर उपहार में दिया है? तो ये दिया है ससल्स को, भारत ने ससल्स को दिया है, एक छोटा सा देश। अगला क्वेश्चन है, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में छिछोरे मूवी को सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड दिया गया है, बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की बात की है? तो झारखंड ने सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का एक्स्ट्रा वेतन देने की बात की है, अतिरिक्त वेतन देने की यहाँ पर बात की हुई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिकॉर्ड 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिकॉर्ड 2021 में फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, फिनलैंड को। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यवाहक
महासचिव किसे चुना गया है, कार्यवाहक महासचिव किसे चुना गया है आरएसएस का, तो ये चुना गया है दत्तात्रेय होशावले को, दत्तात्रेय होशावले। सामिया शुलुक हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है, तो ये बन गई है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है, भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता हुआ है। 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है, तो ये जीती है हरियाणा ने जीता है 11वां हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। अमर एकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहां हुआ है, अमर एकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया है ढाका में किया गया है अमर एकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन। हाल ही में इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है कौशल्या शंकर। हाल ही में ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं, पहले मुस्लिम अभिनेता जिन्हें ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है उनका नाम है रिज अहमद। किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है, कौन से देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है, तो ये है बांग्लादेश। हाल ही में टाइम्स मैगजीन के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं, तो बने हैं एलियट पेज पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं जिन्हें टाइम्स मैगजीन के फ्रंट कवर पेज पर स्थान दिया गया है, उनकी फोटो छापी गई है। निम्न में से किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के एसजे ब्रिटिश स्पोर्ट जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, फॉर डू प्लेसेस माइकल होल्डिंग, हासिम अमला, एलिस्टर कुक, तो इसका सही आंसर है माइकल होल्डिंग। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, 10 जनवरी, 16 मार्च, 20 अप्रैल या फिर 15 जुलाई, तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है, तो ये लगाया है रूस के वैज्ञानिकों ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है, तो ये बढ़ाने की अनुमति दी है 74% तक। भारत का मुख्य संख्याविद किसे नियुक्त किया गया है, भारत का चीफ स्टेटिस्टिशियन किसे अपॉइंट किया गया है, चीफ स्टेटिस्टिशियन होंगे भारत के जीपी सामंत साहब होंगे भारत के चीफ स्टेटिस्टिशियन। हाल ही में यंग ग्लोब लीडर की WEF सूची में किसे शामिल किया गया है, यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में शामिल किया गया है दीपिका पादुकोण। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ और सौर फार्म बनाने की घोषणा की है, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की बात की है सिंगापुर ने। पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने पड़ोसी किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने से मना कर दिया है, पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है, इसका सही आंसर है सोमालिया ने। संसदीय समिति की सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटा करके कितने वर्ष कर दी करने की बात की है, तो ये 16 साल करने की बात की गई है कि 18 साल से जुवेनाइल का जो एज है घटा करके 16 साल कर दिया जाए। निम्न में से किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया, तो ये जीता है धन लक्ष्मी। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी इनमें से कौन सी बन गई है, विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है, दिल्ली बनी है विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी।
हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया? वनवासी समागम का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में वनवासी समागम का आयोजन किया गया। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, मेरा राशन ऐप नाम से। निम्न में से कौन सा देश UAE को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है? कौन सा देश ऐसा है जो UAE के पहले दूसरे स्थान पर था, उसको छोड़ करके पीछे करके भारत के लिए दूसरे सबसे अधिक तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो ये बना है अमेरिका। अमेरिका बिल्कुल सही आंसर है, सी ऑप्शन। निम्न में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? काला नमक चावल महोत्सव कब आयोजित, कहाँ पर किया जाएगा? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश या केरल? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन में, उत्तर प्रदेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने निम्न में से किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है? फाइजर, मॉडर्ना इंक, नोवामैक्स इंक, जॉनसन एंड जॉनसन? तो इसका सही आंसर है जॉनसन एंड जॉनसन। एक्चुअली कुछ देशों ने इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया है, रीजन ये है कि ब्लड क्लॉटिंग की समस्या दिखने शुरू हुई। स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ये है देश श्रीलंका। एक्चुअली श्रीलंका में बुर्का पहन करके आए लोगों ने चर्च में अटैक किया, काफ़ी लोगों की डेथ हुई। इसके बाद श्रीलंका सरकार ने ये अनाउंस किया कि अब हम बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे अपॉइंट किया है? वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया है? क्रेग बैथवेट, आंद्रे रसल, कायरन पोलार्ड, जेसन होल्डर? तो इसका सही आंसर है क्रेग बैथवेट। तो आपके 100 क्वेश्चन आज के हुए कम्प्लीट। कोशिश करते हैं कि 50 क्वेश्चन और कर ही लिए जाए, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगी, ठीक है, और चीज़ों को सही तरीके से और भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बाकी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं पढ़ाता ही हूँ, और अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आप देखेंगे तो आपको लगातार बैच कोर्स मिलते रहते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़े रह सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो लाइक डिसलाइक का खेल चल रहा है, कुछ लोग लाइक कर रहे हैं, फिर डिसलाइक कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद लाइक कर ले रहे हैं, फिर डिसलाइक कर दे रहे हैं, ना। तो खैर चलता रहेगा ये खेल, चूहे बिल्ली का खेल है। बाकी जो बच्चे हैं बाद में लाइक जरूर करिएगा। UPSC की प्रिपरेशन कराते हैं? हाँ शुभ, हम बिल्कुल UPSC की प्रिपरेशन कराते हैं। इनफैक्ट हमने पॉलिटी कंप्लीट की पढ़ाई है, हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ाई है, और पॉलिटी का रिवीजन बैच रिवीजन कोर्स मैं 15 तारीख से लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें कंप्लीट रिवीजन होगा PET के लिए। प्लस पे मेंस UPSC मेंस ऑप्शनल के बैच फरवरी से ही स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जो ज्वाइन करना चाहें। और सारथी के नाम से प्रीलिम्स का बैच स्टार्ट हो चुका है UPSC मेंस का प्री के लिए 9 जुलाई से। जो बच्चे चाहें, जो लर्नर्स चाहें, ज्वाइन जरूर करें। प्रगति के नाम से RO प्रीलिम्स के लिए बैच कोर्स स्टार्ट हो चुका है 10 जुलाई से, ज्वाइन कर सकते हैं। और लक्ष्य के नाम से UPSC 2022 का बैच कोर्स स्टार्ट हो चुका है, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। बस कोई भी आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो एक रेफरल कोड याद रखना है। जब आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको ये रेफरल कोड यूज करना है, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रिंस लाइव, PRINCELIVE, ये रेफरल कोड यूज करने पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस समय आप 1 साल का कोर्स लेते हैं तो 2 महीने का कोर्स आपको फ्री में मिलता है,
दो साल का लेने पर एक महीने का आपको कोर्स फ्री में मिलता है, लेकिन वो यूपीएससी ऑप्शनल का कोर्स होता है जो कि आपको फ्री में मिलता है। अगला क्वेश्चन आज का आपका है 101वां क्वेश्चन, है ना। 50-50 क्वेश्चन के एक्चुअली मैंने सेट बनवा करके रखे हुए हैं, जो कि मैं स्पेशल क्लास में भी कभी कभी करवाता हूँ, तो इस वजह से 50-50 के ही क्वेश्चन सेट बना के रखे हुए हैं। तो भारत में रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी प्रयोग के लिए अभी तक किस कोविड वैक्सीन को मंजूरी मिली है? तो ये मिली हुई है, ये मिली हुई है कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी, सभी को मिली हुई है, सभी को मिली हुई है, ठीक है, ये सभी को मंजूरी मिली हुई है। अगला क्वेश्चन है डीजीएफटी ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप किस मंत्रालय का इनिशिएटिव है? डीजीएफटी ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का इनिशिएटिव है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। हाँ शुभी बताएं। किस राज्य ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान की घोषणा की है? तो पिंड का यूज अक्सर कहाँ किया जाता है, पिंड का यूज कहते हैं ना, अपने पिंड गया, अपने गांव गया, अपने पिंड गांव गया। UP SSC कोर्स, UP SSC का कोर्स स्टार्ट हो चुका है सुबह आपका, UP SSC PET, UP SSC PET का कोर्स आपका स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी कोर्स चल रहा है, और 15 तारीख से मैं खुद आपको रिवीजन करवाऊंगा अनअकैडमी प्लस पे। मैंने बताया आपको 15 जुलाई से सुबह को 11:05 से 12:05 पे क्वालिटी का रिवीजन, और 21 जुलाई से 11 से 12 ये तो क्लास चलती ही रहेगी, 1 बजे से लेकर के 2:30 तक ये क्लास चलेगी आपकी, हिस्ट्री का रिवीजन यहाँ होगा। तो पॉलिटी और हिस्ट्री का रिवीजन मैं करवा दूंगा, और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, यहाँ पे तो मैं करवा ही रहा हूँ। फिलहाल पिंड का यूज कहाँ पे करते हैं, पंजाब में कहते हैं ना, वो अपने पिंड गया है, वो अपने गाँव गया है। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर कहां पर निर्माणाधीन है? तो भारत का पहला वर्टिकल टावर निर्माणाधीन है बेंगलुरु में, बेंगलुरु इसका सही आंसर है। पोषण ज्ञान डिजिटल कोर्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पोषण ज्ञान डिजिटल कोर्स ये लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, या फिर नीति आयोग। तो इसका सही आंसर है नीति आयोग, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। 13-16 अप्रैल 2021 तक आयोजित रायसीना डायलॉग किस संस्करण का आयोजन किया गया? रायसीना डायलॉग के ये कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये छठे संस्करण का, छठे एडिशन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? तो ये जीता है ई पंचायत पुरस्कार 2021 का उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश। अप्रैल 2021 में कुंभ मेले की शुरुआत कहाँ हुई? तो सभी लोग जानते हैं हरिद्वार, हर की पैड़ी, हरिद्वार में कुंभ मेले की शुरुआत हुई। भारत का पहला हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया कबीर मोबिलिटी ने। इंफोसिस द्वारा गठित एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये किरण मजूमदार साहब बनाए गए हैं, किरण मजूमदार साहब को इंफोसिस द्वारा गठित एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। खबरों में रहा आईएफबी बराह क्या है? तो आईएफबी बराह है एक फिशिंग बोट है आईएफबी बराह। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 34वां संस्करण
किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 34वां संस्करण आयोजित किया गया। प्रसिद्ध खिलाड़ी अहमद हुसैन लाला की डेथ COVID-19 के कारण हो गई। तो ये कौन से खिलाड़ी से, कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? अहमद हुसैन लाला, अहमद हुसैन लाला जुड़े हुए हैं फुटबॉल से, मतलब जुड़े हुए थे, अब तो नहीं रहे, स्वर्गवासी हुए। विश्व धरोहर दिवस 2021 का विषय क्या है? विश्व धरोहर दिवस 2021 का विषय क्या है? ये है कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। किस देश ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधा युक्त अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना की शुरुआत की? तो ये है, शुरुआत की है जापान ने, माफ करिएगा, जापान ने नहीं, इटली ने शुरुआत की है, इटली ने इसकी शुरुआत की। पहला संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? रोम इटली, न्यूयॉर्क नई दिल्ली या फिर रियाद सऊदी अरब? इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क अमेरिका, न्यूयॉर्क अमेरिका में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वायु गुणवत्ता की स्थिति में सुधार के लिए सुधारात्मक कदमों की निगरानी हेतु किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया है? तो ये किया है रामेश्वर प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में, रामेश्वर प्रसाद गुप्ता जी की अध्यक्षता में ये गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विली वॉन्ट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट भी किस भारतीय खिलाड़ी का संस्मरण है, किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है सुरेश रैना ने, सुरेश रैना ने। नाडा ने के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाडा के नए डायरेक्टर कौन होंगे? नाडा के नए डायरेक्टर कौन होंगे? तो नाडा के नए डायरेक्टर होंगे सिद्धार्थ सिंह लोनजाम, सिद्धार्थ सिंह लोनजाम। स्पोर्ट्स एक्सचेंज अ फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है पृथ्वी शॉ को, पृथ्वी शॉ। हाल ही में बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नाम के बुक किसने लिखी है? तो बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट राम माधव ने लिखी है, राम माधव ने बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नाम की बुक लिखी हुई है, बिल्कुल सही बात है। शुभी, हाल ही में ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाजों को भारत के किस राज्य में खंडित किया गया? तो ये किया गया गुजरात में, गुजरात में। हाल ही में अरुण कुमार की अगर बात की जाए, अरुण कुमार को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है बिहार का मुख्य सचिव, बिहार का। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका एम लॉन्च किया है? तो आर्टिका एम लॉन्च किया है रूस ने। और हाल ही में हीरो इंडियन विमेंस लीग 2021-2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये मेजबानी करेगा उड़ीसा। आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे साथियों, बाकी हम लोग फिर मिलेंगे। सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है? अगर ठीक लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होइए। 1000 क्वेश्चन कराने का हमने वादा किया है, तो आपको हम जुलाई के लास्ट तक 1000 क्वेश्चन करवा देंगे, करवा के पूरा कर देंगे, और उसके बाद फिर एक कंबाइंड वीडियो आप लोगों को 1000 क्वेश्चन की प्रोवाइड कर देंगे हम, ठीक है? तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं कल शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे अपनी क्लास होती है इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप मिल सकते हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। आज 5 बजे शाम को ज्ञानमार्ग नॉलेज कैंप फेस्टिवल में मैं आपको मिलूंगा, 6 बजे अपना घटना चक्र सीरीज करवाता हूँ, फ्री क्लास होती है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी को, आप लोग प्रिंस लाइव रेफरल कोड का यूज जरूर करें, ये 10% को आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कराता है, 10% डिस्काउंट आपको मिलता है अनअकैडमी की तरफ से। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के